वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कल था सनराइज़ और कोलकाता का मैच जो आज रिव्यू हम करेंगे, तो चलो वीडियो शुरू करें। तो देख सकते हो यहाँ पे गाइस पहले कोलकाता यहाँ पे बैटिंग करने आए हैं, राय और गुजबाज मिलकर यहाँ पे स्ट्राइक संभाल रहे थे गाइस, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे। दो बाउंड्रीज मारे हैं, फोर मारे हैं राय ने, देख सकते हो गाइस यहाँ पे। और लेकिन तभी वहाँ पे कैच आउट हो गए हैं गुरबाज यहाँ पे गाइस 7-0 रन बना के वो आउट हो गए हैं, आप देख सकते हो एक गेंदों में। तो गाइस यहाँ पे आए हैं वेंकटेश और राय, दोनों मिल रहे थे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, स्ट्राइक पे थे, तो अच्छी तरीके से वो लोग बाउंड्रीज भी मार रहे थे गाइस, देख सकते हो 12 रन हो चुके थे KKR का। लेकिन तभी वहाँ पे कैच आउट हो गए हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पे वेंकटेश अय्यर 7 रन बना के आउट हो गए हैं और KKR का 16 रन कंप्लीट हो गए हैं गाइस, देख सकते हो दो विकेट के साथ। तो गाइस यहाँ पे नीतीश राणा आए थे और राय, दोनों मिलकर यहाँ पे 4 बाउंड्रीज मार रहे थे गाइस, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और कैच आउट हो गए हैं जिसके कारण यहाँ पे आउट हो गए हैं जशन राय, 20 रन बना के 19 गेंदों में आउट हो गए हैं। और फिर यहाँ पे रिंकू सिंह आए हैं, नीतीश राणा और रिंकू सिंह दोनों मिलकर यहाँ पे स्ट्राइक मार रहे थे, 4 और बाउंड्रीज मार रहे थे गाइस, देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खेल रहे थे। 54 रन हो चुके थे यहाँ पे, 68 रन हो चुके हैं गाइस, देख सकते हो KKR का, तो यहाँ पे 78 रन हो गए थे। बहुत अच्छी तरीके से उन दोनों ने बाउंड्रीज कल मारे थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खेल रहा था। तभी यहाँ पे एक कैच आउट हो गए हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे नीतीश राणा 42 रन बना के वो आउट हो गए 31 गेंदों में। और यहाँ पे रसल आए हैं और रिंकू दोनों मिलकर यहाँ पे खेल रहे थे, 4 बाउंड्रीज मार रहे थे, 6 मारते ही रसल आते ही वो यहाँ पे एक छक्का मार रहे थे गाइस, देख सकते हो। और यहाँ पे भी एक 4 बाउंड्रीज मार रहे थे, उनका रन रेट हो गया है 122 गाइस। लेकिन यहाँ पे एक और कैच आउट हो गया है जिसके कारण यहाँ पे अंदर रसल 24 रन बना के वो आउट हो गए हैं, तो यहाँ पे कोलकाता का 130 कम्प्लीट हो चुका थे गाइस, देख सकते हो। अभी यहाँ पे एक और कैच आउट हो गया है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे सुनील नारायण 1 रन बना के आउट हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी है शहदुल और रिंकू दोनों मिलकर यहाँ पे स्ट्राइक संभाल रहे थे गाइस, देख सकते हो। रिंकू का 29 रन कंप्लीट हो चुके थे, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे, 32 भी हो चुके हैं। और कोलकाता का यहाँ पे एक और विकेट गिरते हैं गाइस, देख सकते हो कैच के साथ यहाँ पे शहदुल ठाकुर 8 रन बना के वो आउट होते हैं। और कोलकाता का यहाँ पे 158 रन हो जाते हैं गाइस, देख सकते हो। अनुकूल आए हैं और रिंकू दोनों मिलकर यहाँ पे रन बटोर रहे थे गाइस, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और कैच आउट हो गया है जिसके कारण यहाँ पे रिंकू सिंह 46 रन बना के वो आउट हो गए हैं गाइस, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और विकेट गिरते हैं जहाँ पे रन आउट होते हैं, राणा 0 रन बना के वो आउट होते हैं गाइस, देख सकते हो। और यहाँ पे रन बचे थे 20 ओवर के लिए, तो यहाँ पे बाउंड्रीज मारते हुए बाउंड्रीज नहीं हुआ लेकिन 2 रन मिल गया है। और यहाँ पे कोलकाता का 171 हो चुके थे और टारगेट मिला है सनराइज़ को 120 बॉल गेंदों में। तो गाइस यहाँ पे सनराइज़ का बैटिंग शुरू हो गया है गाइस, देख सकते हो। यहाँ पे अभिषेक और अग्रवाल दोनों आए हैं तो स्ट्राइक पे, तो गाइस यहाँ पे खेल रहे थे अच्छे तरीके से, उन्होंने आते ही बाउंड्रीज मारना शुरू कर दिया है गाइस, देख सकते हो। 23 रन हो चुके थे 0 विकेट के साथ, लेकिन वहाँ पे एक विकेट गिरते हैं, यहाँ पे कैच आउट हो जाते हैं मयंक अग्रवाल, 18 रन बना के वो आउट हो जाते हैं गाइस, देख सकते हो। और फिर त्रिपाठी आए हैं लेकिन वहाँ पे एक और अंदर रसल ने कैच पकड़ लिया है जिसके कारण सनराइज़ के अभिषेक शर्मा 9 रन बना के 10 गेंदों में वो आउट हो गए हैं। फिर यहाँ पे उनका 38 रन हो चुके थे 2 गेंदों में 2 विकेट के साथ। तो गाइस यहाँ पे 4 और 6 के बरसात हो रहे जारी है क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 43 रन हो चुके थे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक और विकेट गिरता है कैच के माध्यम से, यहाँ पे राहुल त्रिपाठी 20 रन बना के 9 गेंदों में वो आउट होते हैं। फिर गाइस यहाँ पे मकरूम और ब्रूक दोनों आए थे, लेकिन यहाँ पे गाइस एक LBW के शिकार बने हैं ब्रूक, तो यहाँ पे आउट करार दिए गए थे, यहाँ पे देख सकते हो गाइस हैरी ब्रूक यहाँ पे 0 रन बना के वो आउट हो गए हैं 4 गेंदों में। तो गाइस ये मकरम और कलचम दोनों आए थे यहाँ पे स्ट्राइक पे, तो लोग बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे गाइस, यहाँ पे 4 और 6 को बरसात कर रहे थे, 75 रन हो चुके थे सनराइज़ के। तो गाइस यहाँ पे 83 भी हो चुके थे सनराइज़ के, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने 4 और 6 को बरसात कर रहे थे, मकरम और कलचम बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे। तो गाइस बाउंड्रीज के ऊपर बाउंड्रीज यहाँ पे मार रहे थे सनराइज़, गाइस तभी यहाँ पे अंदर रसल ने एक कैच पकड़ लिया है जिसके कारण यहाँ पे
कलसम 36 रन बना के वो आउट हो गए हैं 20 गेंदों में। तो गाइस यहाँ पर मकरम और समा दोनों यहाँ पे स्ट्राइक संभाल रहे थे गाइस, यहाँ पे 4 और 6 के बरसात कर रहे थे दोनों, उनका 130 हो चुके थे सनराइज का देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे गाइस एक कैच आउट हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पे आउट होते हैं मकरम, 41 रन बना के 40 गेंदों में आउट होते हैं गाइस। यहाँ पे 13 गेंदों में 21 रन चाहिए था, तो गाइस यहाँ पे एक और विकेट गिरता है जिसके कारण यहाँ पे आउट होते हैं को, यहाँ पे 1 रन बना के गाइस आउट हो जाते हैं देख सकते हो। मतलब तभी यहाँ पे भुवनेश्वर और सामाद आए थे स्ट्राइक पे, तो यहाँ पे भुवनेश्वर आते ही यहाँ पे एक 4 मारे है 11 गेंदों में, 20 रन चाहिए था। तब यहाँ पे 7 रन चाहिए था 4 गेंदों में, लेकिन यहाँ पे एक और कैच आउट हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पे अब्दुल समद को 21 रन बना के जाना पड़ा है। तो 7 रन चाहिए था 3 गेंदों में गाइस देख सकते हो, लेकिन और यहाँ पे 6 रन चाहिए एक बॉल में, तो गाइस यहाँ पे डॉट बॉल का शिकार होते हैं। और यहाँ पे 5 रन के साथ कोलकाता जीत लेते हैं ये मैच गाइस। तो यही था मैच, तो गाइस आज का ये मैच देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करें पेज को। थैंक।